नमस्कार साथियों, बुंदेली हलचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये नज़ारे हैं सिविल लाइन चौराहे के, और ठीक सामने जो अभी आपको दिखाई दे रहा है जगह, यहाँ पर सर हर्ष सिंह गौर जो हैं सागर की पहचान है। सागर को अगर जाना जाता है तो सबसे पहला ही एक नाम आता है जहन में, वो है डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का, महान दानवीर, शिक्षाविद। और हम जितनी भी आज बातें करें उतनी कम है हरि सिंह गौर जी के बारे में। और जो ठीक सामने आपको जगह दिखाई दे रही है, इस जगह पर उनकी एक बढ़िया सी प्रतिमा लगी रहती थी, सिविल लाइन की पहचान थी। इस पूरे सागर में जब कोई व्यक्ति आता था तो उसको हम यही एक लैंडमार्क बताते थे कि सिविल लाइन चौराहा है, वहाँ पर हरि सिंह गौर जी की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। और ये शहर का मुख्य स्थान है, सबसे ज़्यादा चलने फिरने वाले स्थानों में से एक है सागर सिविल लाइन चौराहा। और अब इस सिविल लाइन चौराहे पर से रातों रात प्रशासन ने इस मूर्ति को अलग कर दिया है। और जैसे कि पहले भी कई महान पुरुषों की मूर्तियों के साथ हुआ है कि उसको मेन चौराहों मेन जगह से अलग करके साइड में कहीं जगह पर उसको लगा दिया गया है। तो ये एक अपने आप में बड़ा ही सवाल है कि ऐसी मूर्तियां हैं, ये अब क्या प्रशासन को इस चौराहे पे करना है, या क्या कुछ नया ऐसा करना है कि वो मूर्ति उन वहाँ ठीक नहीं लग रही थी, या अगर जगह ही छोटी करनी थी तो इतनी तो एक छोटी जगह बनाई जा सकती थी कि जिसमें सिर्फ मूर्ति को रखा जा सके। कई तरीके के सवाल जहन में आते हैं कि आखिर प्रशासन इस तरीके से काम, और वो भी बिना किसी की राय लिए, बिना किसी की सलाह मशवरा किए, जो मन में आता है वो प्रशासन अब अपने मन मर्जी का काम सागर शहर में कर रहा है। हम ऐसे हजारों उदाहरण लेकर बैठ जाएंगे जिनमें कई ऐसे हैं जिनमें प्रशासन ने अपने मन मर्जी के काम करे और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। चाहे वो बस स्टैंड की बात करें, चाहे और भी ऐसे कई काम हैं, जगह जगह कुछ भी, कहीं भी पार्क बना देना, कहीं भी कुछ भी कर देना, उसमें जनता की कोई सलाह नहीं ली जाती है, जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी कोई सलाह नहीं ली जाती है, और अपने मन से प्रशासन ये काम कर देता है। और इसी तरीके का अब ये जो नया काम किया है वो कि सर हरि सिंह गौर की जो प्रतिमा, इतनी ज़्यादा लोग हर दिन, आपने जब देखा होगा हरि सिंह गौर जयंती पर एक अलग ही माहौल रहता है पूरे शहर में, और क्यों ना हो, क्योंकि ये जो शहर है जाना ही जाता है हरि सिंह गौर जी के नाम से। तो अब उनकी जो प्रतिमा है वो यहाँ से हटाकर ये पूरा जो चौराहा है उसको डिसमेंटल कर दिया है, चौराहे को तोड़ताड़ के, और उस मूर्ति को, सिटी मिशन स्कूल है उसके साइड में एक छोटी सी जगह है, वहाँ उस मूर्ति को लगा दिया गया है। वो जगह जब निकलेंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ मूर्ति लगी है, ऐसी जगह पर हरि सिंह गौर जी की मूर्ति को लगाया है। ऐसे ही कुछ समय पहले जो कालीचरण चौराहा कहलाते थे, जिसमें मूर्ति लगी हुई थी कालीचरण जी की, उस मूर्ति के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। बिल्कुल पहले हमारे जो कालीचरण तिराहा चौराहा उसको हम कहते थे, बीसी बंगला के सामने मूर्ति दिखाई देती थी, फिर उस मूर्ति के लिए उठाकर एक साइड में जगह दे दी गई, और अब वो मूर्ति इतनी साइड हो गई है कि अब दिखाई भी नहीं देती है। और सेम इसी तरीके का जो अब काम किया है वो हरि सिंह गौर जी की मूर्ति के साथ किया है कि इस मूर्ति को यहाँ से हटाकर स्वीडन मिशन स्कूल के यहाँ पर लगा दिया गया है। तो अब ये ऐसे तमाम काम स्मार्ट सिटी के हों या जिला प्रशासन के हैं, लोग समझ के परे हैं, और अब आप ही लोग इस पर निर्णय कीजिए कि कहाँ तक ये काम सही है, कितने गलत हैं। हालांकि शहर के जो कुछ सामाजिक संगठन हैं, जैसे कि शिवसेना है और गौर यूथ फोरम करके हैं, तो उन्होंने इसकी काफ़ी अवहेलना की है और इसको गलत बताया है, और प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि इसको वापस से ठीक किया जाए। अब आगे देखना होगा कि प्रशासन अपनी ये गलती की सुधार करता है या नहीं करता है। फिलहाल इस जगह से तो इस मूर्ति को हटा लिया गया है, और स्वीडन मिशन में के स्कूल के पास में जो पंचायत ऑफिस उसके ठीक सामने उस मूर्ति को लगा दिया गया है। बरसों से ये मूर्ति यहाँ लगी हुई थी और पूरी पहचान थी इस चौराहे की, क्योंकि चौराहे पर और तो कुछ ऐसा खास रहता नहीं है, सिर्फ एक वो हरि सिंह गौर जी की मूर्ति थी जो बड़ा ही शोभा बढ़ाती थी, सभी का मान बढ़ाती थी। अब लेकिन उस मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया है। अनमोल यादव जी कह रहे हैं सागर की धरोहर डॉक्टर हरि सिंह गौर जी, बिल्कुल हम जितनी भी बात करेंगे हरि सिंह गौर जी के बारे में वो कम होगी, क्योंकि उनके जैसा होना संभव ही नहीं है कि दुनिया में अब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी संपत्ति और अपनी जगह में इस तरीके से विश्वविद्यालय बना सके। और हम सब आज गर्व करते हैं सागर से जुड़े जितने भी लोग होंगे, वो निश्चित तौर पर हरि सिंह गौर जी के नाम पे गर्व करते हैं, और उनकी मूर्ति को इस तरीके से हटा लेना ये सब सागर वासियों के लिए भी एक बड़ी बात है। अब आने वाले तो मैं देखना हो क्या होगा कि
क्या इधर पे काम करने जा रहे हैं, उस मूर्ति को हटाकर क्या यहाँ पर बनाया जाएगा, या इस चौराहे को किस तरीके से डेवलप करना है, क्या है, ये सब प्लानिंग प्रशासन की है। और अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ जाहिर भी नहीं किया है, ना ही कोई कारण बताया है कि इस मूर्ति को यहाँ से हटाने का क्या बड़ा कारण है, या क्या ऐसी दिक्कतें हो रही थीं जिसके कारण से इस मूर्ति को यहाँ से हटाया गया। इतने बरसों से ही चौराहे पे आवागमन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, चौराहा है, सिग्नल लगे हुए हैं, सभी चीज़ें ठीक हैं, बस लेकिन उस मूर्ति से क्या समस्या थी जिसके कारण से मूर्ति को हटाया, ऐसा अभी तक प्रशासन ने साफ नहीं किया है। फिलहाल मूर्ति यहाँ से हट चुकी हैं और उस मूर्ति की नई जगह अब आप देखिए, ढूंढिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो जगह लगाई गई है स्वीडन मिशन स्कूल के पास, क्या वो ठीक जगह है, उचित स्थान है गौर जी के लिए, और अगर आपको लगता है कि उचित नहीं है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। गौरव जैन जी भाई, लेट रिपोर्ट किया आपने, ये स्मार्ट नहीं बल्कि बर्बाद सिटी है जी। समय का जैसा भी मिलता है उसी हिसाब से हम रिपोर्ट कर पाते हैं, जब जैसा समय मिलता है उस हिसाब से रिपोर्टिंग हो पाती है। फिर भी कोशिश यही करते हैं कि जो ज़रूरी मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं और जिसमें लोगों को परेशानियाँ होती हैं, उनकी परेशानी थोड़ी बहुत तो हम दूर कर सकें अपने इस चैनल के माध्यम से, यही हमारा उद्देश्य होता है। और कई खबरों को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ उन खबरों को प्राथमिकता से लेते हैं जो लोगों से जुड़ी रहती हैं और जिनसे कहीं ना कहीं लोगों को समस्याएं होती हैं, तो वो हमारी इस आवाज़ से लोगों की आवाज़ जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन तक पहुंचे और उसमें कोई ना कोई सुधार हो सके। बिल्कुल, ये आपका सुझाव है गौरव जैन जी कि जहां मूर्ति थी वहीं मूर्ति लगाना चाहिए, ये गलत है। निश्चित तौर पर इसके पहले भी यही सब बातें बनने की हैं कि ये जो मूर्ति की जगह थी वो उचित स्थान है और पहचान है, तो मूर्ति को वहाँ लगाना चाहिए। और अभी जहाँ जो जगह लगाई है वो जगह आप लोग खुद जाकर देखिए, स्वीडन मिशन स्कूल के पास है, जिला जो पंचायत का ऑफिस है उसके ठीक सामने उस मूर्ति को लगाया गया है। तो क्या वो उतना सही स्थान है, ये आप जब खुद जाकर देखेंगे तब आप देखेंगे कि पहले जहाँ थी और अब जहाँ लगाई गई है तो ज़्यादा बेहतर स्थान कौन सा था, वो आप देखिए और कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये गलत किया गया है तो इसका फिर जमकर विरोध भी करिए, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि आखिर ये प्रशासन का जो काम है वो सही है या गलत है। जुड़े रहिए बुंदेली हलचल के साथ, फिर अगली रिपोर्ट में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।